महिंद्रा ही एक ऐसी कंपनी है जो 37 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर में भी 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स नहीं बल्कि 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स गियर ऑप्शन के साथ में इस ट्रैक्टर को लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हुए हैं उन किसान भाइयों के लिए एक ऐसे ट्रैक्टर का ऑल ओवर रिव्यू जो कि ट्रॉली वर्क के लिए ट्रैक्टर ढूंढ रहे हैं, उनके लिए आज हम सबसे बढ़िया और स्पेशल ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा फुल लोडेड फीचर्स के साथ में लाए हुए हैं। तो चलिए आज का ये रिव्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। साथ ही यहाँ पर बात कर लेते हैं, चलिए इस ट्रैक्टर का रिव्यू करते हैं। तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं पावर स्टीयरिंग की, तो देख सकते हैं आपको 37 हॉर्स पावर की श्रेणी में भी अब महिंद्रा ने इस ट्रैक्टर को डुअल एक्टिंग हाइड्रोलिक बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग के साथ में लॉन्च कर दिया गया है, जिससे आपको टर्निंग में मिलने वाली है एकदम तगड़ी परफॉर्मेंस। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं आपको टूल बॉक्स मिल जाता है, जिससे आपको जो भी पाना या टूल बॉक्स में टूल रखने हो बिल्कुल आसानी से आप रख सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लाइफ के लिए ये जाना जाता है। साथ ही सेल्फ स्टार्टर मोटर भी देख सकते हैं आपको इसमें मिल जाती है, 12 वोल्ट 1.5 किलोवाट तक की आपको सेल्फ स्टार्टर मोटर मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर फ्यूल इन लाइन पंप देख सकते हैं आपको बॉश कंपनी का मिल जाता है और ये ट्रैक्टर दोस्तों 37 हॉर्स पावर में भी 3 सिलेंडर के साथ में लॉन्च कर दिया गया है। साथ ही देख सकते हैं सिंगल डीजल फिल्टर का आपको इस ट्रैक्टर में ऑप्शन मिल जाता है। रेडिएटर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा यहाँ पर रखा गया है दोस्तों ये ट्रैक्टर आता है वाटर कूल्ड इंजन के साथ में आता है। चलिए इस ट्रैक्टर का लुक दिखाते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आज हम जिस ट्रैक्टर का ऑल ओवर रिव्यू कर रहे हैं और जो किसान भाई ट्रॉली वर्क के लिए ट्रैक्टर ढूंढ रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ट्रैक्टर आज हम लेकर आए हुए हैं। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपका भाई आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको महिंद्रा यूवो टीच प्लस 275 DI की बैजिंग मिल जाती है, साथ ही फ्रंट में आपको डुअल हेलोजन लाइट मिल जाती हैं, मतलब एकदम शानदार विजिबिलिटी मिलने वाली है रात में। यहाँ पर देख सकते हैं महिंद्रा का डेडिकेटेड लोगो भी मिल जाता है साथ ही, और यहाँ देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जाली बनाई गई है जिससे इस ट्रैक्टर के रेडिएटर में पर्याप्त हवा जा सकें, और रेडिएटर भी इस ट्रैक्टर का काफ़ी बड़ा रखा गया है दोस्तों। यहाँ पर यदि हम बात कर लेते हैं ऑयल पंप की, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको डुअल ऑयल पंप मिलने वाले हैं जिससे आपको पावर स्टीयरिंग में मिलने वाली है एकदम तगड़ी परफॉर्मेंस। और पीछे देख सकते हैं हाइड्रोलिक के लिए एक सेपरेट यहाँ पर देख सकते हैं आपको ऑयल फिल्टर लगा के दिया गया है, जिससे आपको हाइड्रोलिक में भी आपको मिलने वाली एकदम तगड़ी परफॉर्मेंस। बैटरी देख सकते हैं आपको 12 वोल्ट 75 AH की आपको यहाँ पर बैटरी भी मिल जाती है, साथ ही आपको यहाँ पर देख सकते हैं एक और इंजन ऑयल फिल्टर आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। चलिए इस ट्रैक्टर के आगे के फ्रंट बम्पर की बात कर लेते हैं, तो 37 हॉर्स पावर में भी महिंद्रा ने अब इस ट्रैक्टर में ऑलमोस्ट 1 क्विंटल का यहाँ पर फ्रंट बम्पर दे दिया गया है, जिससे अब ट्रैक्टर के उठने की समस्या एकदम कम हो चुकी है। फ्रंट एक्सल की बात कर लेते हैं, तो देख सकते हैं हैवी ड्यूटी नॉन एडजस्टेबल स्ट्रेट फॉरवर्ड इस ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल मिलने वाले हैं जो कि एकदम तगड़ी पावर परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। साथ ही यह ट्रैक्टर अब 6 VR वारंटी के साथ में आने लगा है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो ऑलमोस्ट 50 लीटर की इस ट्रैक्टर में आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी मिलने वाली है, मतलब 1-2 दिन तक बड़े ही आराम से आपका ट्रैक्टर चलने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं खूबसूरती एक बार और देख सकते हैं दोस्तों, महिंद्रा अपने ट्रैक्टर को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रीमियम डिज़ाइन के साथ में बनाता आ रहा है। साइलेंसर देख सकते हैं इसमें जाली लगा के दी गई है, बेहतरीन नीचे भी जाली लगा के दी गई है, जिससे अब इस ट्रैक्टर में हाथ लगने पर गर्म लगने की समस्या भी एकदम कम कर दी गई है। चलिए इस ट्रैक्टर के टायर साइज की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको अंगला टायर मिल जाता है MRF कंपनी की तरफ से, देख सकते हैं 6x16 का आपको मिल जाता है ये टायर साइज। पिछले टायर साइज की अपन बात कर लेते हैं, तो इसमें भी आपको देख सकते हैं C8 का टायर मिल जाता है जो कि 13x28 टायर साइज के साथ में आता है। ट्रैक्टर के इंजन की बात कर लेते हैं, तो इस ट्रैक्टर में आपको 2235 CC का वाटर कूलेंट 37 हॉर्स पावर का तगड़ा इंजन मिल जाता है, मतलब एकदम तगड़ी परफॉर्मेंस मिलने वाली है आपको दोस्तों इस ट्रैक्टर में। चलिए इस ट्रैक्टर के फुट स्टेपर को देख सकते हैं, इंजन से कनेक्ट होकर काफ़ी हैवी ड्यूटी, और यहाँ पर प्लेटफॉर्म देख सकते हैं एकदम सपाट बनाया गया है। महिंद्रा अपने सभी ट्रैक्टरों में एकदम सपाट प्लेटफॉर्म ऑफर करता है। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं आपको की का सिस्टम आपको किनारे साइड दिया गया है देख सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको डिजिटल और एनालॉग दोनों सिस्टम मिल जाते हैं, जिसमें आपको फ्यूल एफिशिएंसी, लाइव RPM, बैटरी सर्विसमेंट जैसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। साथ ही स्टीयरिंग तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर महिंद्रा बनाता ही आ रहा है, काफ़ी मुझे पसंद है महिंद्रा के ट्रैक्टर। यहाँ पर देख सकते हैं चार्जिंग कनेक्टिविटी के लिए आपको 12 वोल्ट की चार्जिंग कनेक्टिविटी, साथ ही मोबाइल चार्जिंग स्टोरेज की सुविधा भी यहाँ पर दी गई है। साथ ही इस ट्रैक्टर के यदि हम नंबर ऑफ़ गियर की बात कर लेते हैं, तो राइट साइड आपको नंबर ऑफ़ गियर 4 मिल जाते हैं, इसमें ही आपको रिवर्स का गियर ऑप्शन भी मिल जाता है दोस्तों। यदि इस ट्रैक्टर के
टोटल गियर ऑप्शन की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स गियर ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं लो हाई मीडियम का आपको यहाँ पर गियर मिल जाता है, मतलब कि कम से कम और अधिक से अधिक स्पीड में आप इस ट्रैक्टर को चला सकते हैं बड़ी आसानी से। पीटीओ के लिए सेपरेट लीवर दिया गया है और इस ट्रैक्टर में आपको रिवर्सिबल पीटीओ ऑप्शन भी दिया गया है दोस्तों। चलिए इस ट्रैक्टर के राइड की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं डीसी पीसी का आपको लीवर मिल जाता है, पार्किंग के लिए सेपरेट यहाँ पर भी दिया गया है लीवर। साथ ही इस ट्रैक्टर के यदि हम ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो मल्टीप्लेटेड ऑयल एमर डिस्क ब्रेक के साथ में यह ट्रैक्टर आता है। क्लच की बात कर लेते तो ये ट्रैक्टर सिंगल क्लच के साथ में आता है दोस्तों, और ये ट्रैक्टर ट्रॉली वर्क के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है और किसानों द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। दोस्तों अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपका भाई आपके लिए लाता रहता है। सीट की बात करें तो आप काफ़ी ज़्यादा आरामदायक सीट मिल जाती है, जो कि आप अपनी सुविधा के अनुसार से एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे। देख सकते हैं इंडिकेटर ब्रेकिंग लाइट का एकदम परफेक्ट कॉम्बो मिल जाता है, साथ ही यहाँ पर कवर लगा के दिया जाता है। और पैसेंजर ग्रैफ हैंडल देख सकते हैं काफ़ी हैवी ड्यूटी और चारों तरफ से बनाया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लाइफ के लिए जाना जाता है। फेंडर के नीचे गैप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इस ट्रैक्टर कंपनी ने बरकरार रखा है, जिससे पडलिंग मचा हुआ करने में एकदम कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है दोस्तों। चलिए पीछे की बात कर लेते हो तो देख सकते हैं सीट के ठीक पीछे आपको रिफ्लेक्टर की पोजीशन मिल जाती है, और आपको देख सकते हैं यहाँ पर LED जैसी लाइट लगा के दी जाती है, जिससे पीछे से आने वाले वाहन आगे के ट्रैक्टर को इसको बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं टापलिंग के आपको 2 पॉइंट मिलने वाले हैं, जो कि आप फुल्ली ऑटोमेटिक लेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल बार के साथ में आते हैं। साथ ही पीटीओ पावर की बात करें तो 37 हॉर्स पावर की पीटीओ के 37 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर के अंदर भी अब इस ट्रैक्टर कंपनी ने 34 हॉर्स पावर का यहाँ पर पीटीओ ऑप्शन ऑफर कर दिया गया। यदि हम इस ट्रैक्टर के रियर एक्सल की बात करें तो EPI प्लेनेटरी हब रिडक्शन, जो कि सबसे महंगे और सबसे लॉन्ग लाइफ के लिए जाने जाते हैं, वो भी इस ट्रैक्टर कंपनी ने यहाँ पर ऑफर कर दिए हैं। लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो ऑलमोस्ट 1700 kg की इस ट्रैक्टर में आपको लिफ्ट कैपेसिटी मिलने वाली है, मतलब एकदम आप इसमें मीडियम से बड़े से भी यहाँ पर यंत्र बड़ी आसानी से चला सकते हैं। पीछे देख सकते हैं रात में कार्य करने के लिए गोल वाली हेलोजन लाइट दी गई, जो कि बेहतरीन विजिबिलिटी के लिए एकदम जानी जाती है। इंडिकेटर ब्रेकिंग लाइट का परफेक्ट कॉम्बो मिल जाता है दोस्तों। और दोस्तों मैं बात करूँ इस ट्रैक्टर के 275 DI, ये सबसे ज़्यादा ट्रॉली वर्क में इंडिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ट्रैक्टर है दोस्तों। दोस्तों कमेंट में आप ज़रूर बताएं क्या आपके पास 275 DI है या नहीं है। मुझे तो दोस्तों लगता है 50% लोगों के पास 275 DI तो ज़रूर है, क्योंकि ट्रॉली वर्क के लिए सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ ये महिंद्रा का 275 DI ही पसंद किया जाता है। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि ये आपके पास ट्रैक्टर है तो। आज की वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ये भी ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय जवान जय किसान।